So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of topic wise MCQs of Indian polity. So guys, ASRB ka exam abhi postponed hai and we do not know ki kab tak uska notification aayega, kab tak uska exam hoga. So let us not wait for the exam. Exam ka wait mat karo, ab dheere dheere apni preparations ko karte raho because they have told in the previous notification ki exam se 15-20 din pehle notification aa jayegi. So let's say कि अगर एग्जाम से 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आती है एंड देन यू स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा. सो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखो एंड उसमें कोई भी तरीके का कमी नहीं आना चाहिए. राइट, एंड पिछले सेशन में हमने बात करी थी एमसीक्यूज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस एमसीक्यूज फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ दीज सेशंस गाइस, इन दीज सेशंस आई डू नॉट जस्ट ब्रिंग the MCQs and their answers, मैं आपको explain भी करता हूँ. तो आपका basically topic भी यहाँ पे cover हो रहे हैं. So let's begin with the session. But before we begin, do subscribe to the channel and press this bell icon. You can also join this Telegram group. Here you will get the PDF of this session along with the answers. Now let's talk about the very first question with respect to the fundamental duties. Five questions are for fundamental duties. Five are from DPSPs. I have taken five questions because जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज में से और डीपीएसपी में से ले लिए. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर दीज फंडामेंटल ड्यूटीज? सी, अलोंग विद फंडामेंटल राइट्स वी हैव सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी की तरफ, हमारी नेशन की तरफ हमारी कुछ ड्यूटीज हैं. ठीक है, वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, विच मींस द कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950. इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट देयर बिकॉज कभी उसकी जरूरत फील नहीं हुई. कि मतलब ऐसा माना गया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके द्वारा ऐसा माना गया था कि ओके, जो लोग हैं इस देश के उनके अंदर ऑलरेडी ये इनग्रेन्ड है. द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑलरेडी इनग्रेन्ड विद इन दी within the hearts of the citizens of this country. So that's why fundamental duties were not included. But what happened during the emergency? During the emergency, it was felt that now there is a need of fundamental duties to be inserted into the Constitution of India. Emergency ke time pe aisa feel hua ki bhai fundamental duties Constitution mein dalna chahiye. So that's why in the year 1976, Congress government, us samay government Congress ki chal rahi thi. They made a committee which is known as Swaran Singh Committee. Swaran Singh Committee to give recommendations on certain fundamental duties. And this committee recommended 8 fundamental duties. Is committee ne 8 fundamental duties recommend kari thi. But later on, through the 42nd Amendment Act of 1976, 42nd Amendment Act of 1976 ke through, the 10 fundamental duties, total 10 fundamental duties were added into the Constitution of India. ठीक है? तो टोटल कितनी ऐड हुई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 10, बट करंटली देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द 11th वन, द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज व्हिच इज रिगार्डिंग द एजुकेशन बीइंग प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 टू 14 इयर्स. सो 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड विद द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. 86th अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसके बाद ये 11th फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड हुई थी. राइट, सो नाउ इफ एनीवन आस्क यू, सो करेंटली देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो देयर आर 3 नंबर्स यू हैव टू रिमेंबर. नंबर 1, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंडेड बाय स्वरण सिंह कमेटी? 8. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? 10. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 11. एंड 11th वन वाज एडेड थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. Alright, so I hope all these information regarding fundamental duties is clear, and for your exam ASRB, AO and FNAO, this much information is more than enough. So now the correct answer is what? Option D, Swaran Singh Committee. Option D hai iska sahi jawab, Swaran Singh Committee. How many fundamental duties were recommended by the Swaran Singh Committee? Abhi maine aapko bataya hai, Swaran Singh Committee jo ki 1976 mein banayi gayi thi, iska year bhi yaad rakhna. When this committee was formed? In the year 1976. So this committee recommended how many fundamental duties? 8. Abhi bataya maine aapko. 8 fundamental duties. Option A. Now jo iske baaki questions hai wo bahut easily ho jayenge, maine aapko already bata diya. Question number 3, through which of the following constitutional amendment acts
फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी अभी बताया मैंने आपको, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 व्हिच इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आई होप आपको ये सब पता होगा, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। एंड मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स 11 फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स वॉज एडेड। सो एज आई टोल्ड यू, द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूटी इज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स, and this 11th fundamental duty was added through 86th amendment act of 2002. option d guys will be the correct answer. all right, so as I told you, baki question bahut aaram se ho jayenge, jo maine aapko pehle question mein information bata di, all the questions can be tackled through those, through that information. question number 5, which of the following statements is incorrect with respect to the fundamental duties? this guys is a very logical question. if you have the basic understanding of Indian polity, then definitely you can easily mark the correct answer of this question. option A, these are confined to citizens only and do not extend to foreigners. बिल्कुल सही बात है, foreigners का हमारे nation के toward क्या duty होगा? कोई duty नहीं होगा। these are not justiciable. this is also correct. these are not justiciable मतलब कि अगर मैं कोई fundamental duty पूरी नहीं कर रहा हूँ, तो you cannot go to the supreme court or the high court or any other court saying that this person is not following his or her fundamental duties. एंड एक्चुअली तो हम सब जानते हैं कि हम कितने फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। देन दीज आर नॉट अमेंडेबल, दिस इज इनकरेक्ट। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एज पर केशवानंद भारती केस, जिसका जजमेंट 24th अप्रैल 1973 को आया था, याद रखना ये डेट, 24th अप्रैल 1973, द जजमेंट वॉज केशवानंद भारती वॉज आउट, एंड दिस केशवानंद भारती केस वॉज डेल्ट बाय 13 जजेस बेंच, 13 जजों की बेंच थी, जो कि आज तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ी बेंच है। एंड 7-6 के मेजोरिटी से फैसला आया था, 7-6। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट होल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। उन्होंने बोला पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है करो, नो प्रॉब्लम, प्रीएम्बल को करना है, फंडामेंटल राइट्स को करना है, ड्यूटीज को करना है, जिस मर्जी को करना है करो, लेकिन बेटा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ला सकते आप, ठीक है। सो दिस वाज द केशवानंद भारती केस, एंड दैट्स व्हाई दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज़ वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पूरा का पूरा स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है, देन व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अमेंडेबल? ऑफ कोर्स दे आर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट fundamental duties are inserted in part 4A. there was a this new part was inserted, this part was inserted through 42nd amendment act of 1976, and a new article number 15A was inserted through the 42nd amendment act of 1976. so the fundamental duties are inserted in part 4A in article 51A. all right, do remember this also. Now let's talk about the DPSPs. So what are DPSPs first? These are directive principles of state policy, which means if a state is enacting any act, any law, any policy, any program, then it will keep in mind the welfare of the people. Okay, it will keep in mind the equality of the people. It will keep in mind the fraternity among the people. It will keep in mind the justice to the people. It will keep in mind the liberty of life to the people. Basically, DPSP ka matlab ye hota hai. कि अगर सरकार, कोई भी भारत सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, अगर वो कोई कानून बनाती है, कोई पॉलिसी लाती है, कोई प्रोग्राम लाती है, तो वो सबका ख्याल रखते हुए लाएगी। इक्वालिटी, लिबर्टी, जो बेसिक आइडियल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, उसको अपने ध्यान में रखते हुए ही कोई भी लॉ पास किया जाएगा। एंड इफ इट इज नॉट बी डन लाइक दैट, अगर वो इस तरीके से नहीं करेंगे, देन दैट लॉ, दैट एक्ट कैन बी वायलेटेड, कैन बी यू नो डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है? वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ऑलराइट, सो डीपीएसपी, आई होप मतलब क्लियर है। डीपीएसपीज आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 4, इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, एंड आर्टिकल नंबर 36 टू 51 डील्स विद द डीपीएसपी।
नाउ डीपीएसपी के आर्टिकल्स में एक बात रखना, यू नीड नॉट रिमेम्बर ऑल दी आर्टिकल्स, जस्ट टू और थ्री आर्टिकल्स वो आपको याद रखने हैं डीपीएसपी में, ठीक है। बाकी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज की एक बहुत अच्छी लंबी चौड़ी स्टोरी है डीपीएसपी की, नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज की, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का जो क्लैश हुआ था उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी खासी स्टोरी है, वो मैंने कोर्स में समझाया हुआ है। इफ यू गाइज वॉन्ट कि अगर आपको वो स्टोरी सुननी है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, देन आई विल टेक अनदर सेशन फॉर दैट। सो डीपीएसपीज आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। एंड रिमेंबर डीपीएसपीज आर, द आइडिया ऑफ डीपीएसपी वॉज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया लिया गया था। क्वेश्चन 7, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया ऑफ डीपीएसपी वॉज बोरोड, सो यस एज आई टोल्ड यू इट वॉज द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ दिस डीपीएसपी वॉज बोरोड, आयरिश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज नॉट इंसर्टेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इन द लिस्ट ऑफ इन पार्ट 4, द कंप्लीट क्वेश्चन शुड बी इन पार्ट 4, पार्ट 4 में कौन सा आर्टिकल इनमें से नहीं इंसर्ट हुआ था। सो रिमेंबर थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन पार्ट 4, फोर आर्टिकल्स वर इंसर्टेड, आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A, ठीक है। ये आर्टिकल्स क्या है, क्यों है, इसके बारे में डिटेल में जानने की देयर इज नो नीड, जस्ट रिमेंबर दीज फोर आर्टिकल्स आर वर इंसर्टेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इन पार्ट 4, ऑलराइट। सो देयर द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ई, आर्टिकल नंबर 38 ब्रैकेट 2, एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस 38(2) वॉज इंसर्टेड इन टू द पार्ट 4A थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आर्टिकल 38(2) इसके अंदर इंसर्ट हुआ था। सो हियर द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ई। एंड ऑल्सो रिमेंबर गाइज, द डीपीएसपीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, नंबर 1 आर द गांधियन प्रिंसिपल, देन वी हैव सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव लिबरल इंटेलेक्चुअल। सो इफ एनीवन आस्क यू, देन यू कैन से The categorization of DPSPs are into three, Gandhian, Socialist and Liberal Intellectual. And also remember, this classification was not provided by the Constitution. ये basically उनके essence के हिसाब से उनको classify किया गया है, alright? Now question number 9, which of the following articles of the Constitution mandates the states to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years? Yeah, so this article guys is very important. आर्टिकल नंबर 45, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 2-3 आर्टिकल्स एंड वन ऑफ दोज आर्टिकल इज दिस आर्टिकल नंबर 45, एंड फॉर दिस आर्टिकल नंबर 21A, इंश्योरिंग दिस आर्टिकल नंबर 21A वॉज इंसर्टेड एज अ फंडामेंटल राइट इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड सिंस देन इट इज अ फंडामेंटल राइट कि हम 6 साल तक के बच्चों को, उसके जो 6 से 14 साल के तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, एंड टू इंप्लीमेंट दिस आर्टिकल वी हैव राइट टू एजुकेशन एक्ट, ओके, आर्टिकल नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द स्टेट्स टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। दिस गाइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिस आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 48A इंसर्टेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। So I hope guys all the 10 questions are clear. If you want to buy the courses, you can visit anujindal.in. The detailed course is provided there and all the details regarding the sessions and the mock test wagera, sab kuch hai wahan pe. So thank you so much for watching. I'll see you in the next week with another session. Goodbye, take care and God bless.